पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या पिछले कई दिनों से अपने कथित अफेयर को लेकर चर्चा में हैं। उनके पति आलोक मौर्या का आरोप है कि उनका अफेयर होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे से चल रहा है। दोनों उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अब इस मामले में विभागीय जांच में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होमगार्ड के डीआईजी संतोषी ने अपनी जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को विभाग की छवि धूमिल करने का दोषी माना है, उनको सस्पेंड करने की सिफारिश की है। डीआईजी होमगार्ड ने अपनी रिपोर्ट होमगार्ड के डीजी बीके मौर्या को सौंप दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे के तीन अलग अलग मामलों का जिक्र किया गया है। आलोक मौर्या ने होमगार्ड संगठन को अपनी पत्नी और मनीष दुबे के बीच हुई बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। इन सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। माना जा रहा है कि रिकॉर्डिंग प्रमाणित होने के बाद मनीष और ज्योति की मुश्किलें और बढ़ सकती है। जांच के दौरान मनीष दुबे का गाजियाबाद से महोबा ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ ज्योति ने खुद को बरेली चीनी मिल से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की है। इस मांग के पीछे ज्योति ने अपने खिलाफ चल रही तमाम खबरों को वजह बताया है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मनीष दुबे के खिलाफ जिन तीन मामलों का जिक्र किया गया है उनमें एक ज्योति मौर्या से जुड़ा है। दूसरा मामला अमरोहा जिले का है, यहाँ की एक महिला होमगार्ड ने भी दुबे के खिलाफ शिकायत की थी। तीसरी शिकायत मनीष दुबे की पत्नी का है जिसमें उन्होंने दहेज मांगने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जून 2023 में ज्योति के पति आलोक के मौर्या ने एक शिकायत देते हुए अपनी पत्नी के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अफेयर का आरोप लगाया था। सफाई कर्मचारी आलोक मौर्या ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी जो पीसीएस अधिकारी है साल 2020 में जिला कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में है। दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाते हुए कुछ चैट भी सार्वजनिक किए थे। हालांकि ज्योति ने अपने पति के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।